माय डे वेंट अमेजिंग. मैंने आज काफ़ी चीज़ें की, वर्कआउट किया और दो तीन काम अपने किए. आई स्लीप ऑल डे. मैं इतनी देर से उठ रही हूँ आजकल बिकॉज आई एम स्लीपिंग इन द मॉर्निंग एंड वेकिंग अप इन द इवनिंग. आप सब लोग आज के इस वीडियो में मीनाल खान के मदाहों के लिए एक गुड न्यूज एक बैड न्यूज शेयर करेंगे. मीनाल खान शादी के बाद पहली दफा लाइव आ गई और अपने तमाम मदाहों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी शादी की तस्वीर को बेहद पसंद किया. और एहसान खान और मीनाल खान को नई जिंदगी शुरू करने पर ढेरों मुबारकबाद और ढेरों दुआएं दी. साथ ही साथ मीनाल खान ने अपने तमाम मदाहों के साथ एक ऐसी न्यूज भी शेयर कर दी जिससे मीनाल खान के तमाम फैंस काफी अफसरदा है. मगर आखिर मीनाल खान ने अपने उस लाइव सेशन में अपने तमाम मदाहों से क्या कहा, अपने तमाम मदाहों के साथ क्या क्या बातें की बताएंगे आज के इस वीडियो में. साथ ही साथ मीनाल खान की वो लाइव वीडियो भी दिखाएंगे. मगर इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ऐमन खान और मीनाल खान दोनों जुड़वा बहने हैं और दोनों का शुमार पाकिस्तान की टॉप के अदाकाराओं में होता है. दोनों के मदाहों की तादाद करोड़ों में है. दोनों ने अपने फैंस बनाने के लिए और अपनी इस इंडस्ट्री में खास जगह बनाने के लिए बचपन से इस इंडस्ट्री में काफी मेहनत की. मगर जब ऐमन खान की शादी हुई तो ऐमन खान की शोहरत में और भी ज्यादा इजाफा हुआ. तमाम लोग जो कि ऐमन खान को नहीं जानते थे ऐमन खान की शादी की तमाम सभी वो वीडियोस को देखने के बाद ऐमन खान के दीवाने हो गए. मगर ऐमन खान ने शादी के बाद शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ दिया और अभी तक शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं किया. मगर मदाहों के बेहद रिक्वेस्ट पर ऐमन खान शादी के एक साल बाद दोबारा से पहले की तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई. मगर ऐमन खान का अभी तक शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं. इसी तरह मीनाल खान जो कि शादी से पहले पाकिस्तान के बेशुमार सुपरहिट ड्रामो में काम कर चुकी है जिनमें इश्क है और जलन टॉप पर आते हैं. मीनाल खान ने शादी के बाद लाइव आकर अपने तमाम मदाहों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन तमाम फैंस का ढेर सारा शुक्रिया जिन्होंने मुझे और एहसन को ढेरों दुआएं दी. मगर अब मैं कुछ अरसे के लिए इस इंडस्ट्री और सोशल मीडिया से दूर जाना चाहती हूँ. मेरे सोशल अकाउंट्स पर आप लोगों को मेरे बारे में अपडेट मिलती रहेगी मगर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर नजर नहीं आऊंगी क्योंकि मैं कुछ अरसा एहसन खान के साथ घर पर अपनी चाय और अपनी किताबों के साथ गुजारना चाहती हूँ. साथ ही साथ इन किताबों की तस्वीर भी दिखाई जो की आजकल मीनाल खान पढ़ रही है. तो ये न्यूज सुनकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं. अपना ढेर सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.